बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम सबका लेक्चर में मिर्ज़ा ग़ालिब की पहली गज़ल के इब्तदाई दो अशआर की तशरीह को देख चुके हैं। इसके अलावा ग़ालिब का तारुफ और उनके मशहूर अशआर भी हमारे सामने रहे। आज के लेक्चर में हम इसी गज़ल के तीसरे, चौथे और पांचवें शेर की तशरीह को करने की कोशिश करेंगे। इस गजल का तीसरा शेर है, इशरते पाराए दिल। हमारे सफा नंबर 124 पर इनकी तरतीब है। इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ। इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उरियां होना। इशरत का माना खुशी, कत्ल गए कत्ल होने की जगह, अहले तमन्ना उशाक ख्वाहिश रखने वाले लोग। ईद नजारा, ईद खुशी का दिन, नजारा देखना आंखों की ईद हो गई है, शमशीर तलवार। उरियां नंगा या सामने आना किसी चीज का, बेलिबास होना। शेर की नस्र बनेगी कि कत्लगाह में अहले तमन्ना के पहुंचने की हालत का मत पूछो, कि तलवारों का उड़िया होना उनकी ईद है। आम लोगों को मौत से खौफ महसूस होता है, वो हर उस मकाम से दूर भागते हैं जहां उन्हें ये एहतमाल हो कि किधर जाने से उनको कत्ल कर दिया जाएगा या वो जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन आशिक लोग, जिन्हें अपने महबूब पर जान कुर्बान करने की बेहद तमन्ना होती है, वो बड़ी मोहब्बत और शौक से अपनी कत्लगाह की तरफ जाते हैं। वो समझते हैं जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। चुनांचे महबूब पर कुर्बान होने के लिए जब मयान से तलवार निकाली जाती है और कत्ल करने के लिए जब उसे बुलंद किया जाता है, तो आशिक की नज़र के लिए वही मंजर पैदा हो जाता है जो आम लोगों के लिए ईद का मंजर होता है। आशिक के लिए तलवार तलवार नहीं रहती, बल्कि ईद का चांद बन जाती है। चांद और उरियां तलवार के खम में मुशाबहत है। महबूब के हाथ से कत्ल होने को आशिक लोग इश्क की मेराज समझते हैं। महबूब पर कुर्बान होना आशिक के लिए बायसे सादत है, इसलिए उसकी तलवार के नियाम से निकलने का मतलब ईद के चांद का तुलू होना है। महबूब की राह में कत्ल होना महबूब से मुलाकात का जरिया और वसीला है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह की राह में शहीद होना खुशी से कबूल किया। इसी तरह गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का नामूस रिसालत पर कुर्बान होना उनके लिए इससे कम नहीं था। इश्क मजाजी में भी जब महबूब तेग बकफ रकीब की तरफ जा रहा हो तो आशिक की गैरत जोश में आती है, जाता है यार तेग बकफ गैर की तरफ, ऐ कुश्ताएश सितम तेरी गैरत को क्या हुआ। चौथा शेर देखिए, ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्ता होना। दागे तमन्नाए निशात, खुशी की तमन्ना पूरी ना होने का जख्म या दाग। बसद रंगे गुलिस्तां होना, बाग की तरह सौ सौ रंगों में निखरना नहाना।
यानी सौ सौ तरह से खुश होना, बाग बाग होना और शाद काम होना, गुलिस्तां होना, बेहद खुश होना। मफहूम, ए महबूब, हम तो खुशी हासिल किए बगैर उसका दाग दिल पर सजा कर कब्र में जा सोए हैं, अब तू जिस तरह मर्जी है खुश रहो। एक बाग की तरह खुशी के सौ रंगों से, सौ फूलों से अपने दिल को सजा। शेर की तशरीह देखते हैं। उर्दू शायरी का रवायती आशिक अपने महबूब से कभी शाद काम नहीं होता। रवायती महबूब अपने आशिक की तमन्ना पूरी नहीं करता, आशिक को हमेशा उससे शिकायत ही रही। आशिक महबूब पर सौ सौ तरह से जान देता है, मगर मरते दम तक महबूब अपना दीदार करवाना भी पसंद नहीं करता। महबूब ने आशिक के दिली जज्बात की कदर ना की और उसे नाखुश और नामुराद ही रखा। अब आशिक ये कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, हम तो सारी उम्र नामुराद ही रहे, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश और तमन्ना पूरी ना हुई जिसका ताल्लुक तुम्हारी जात से था। हम अपनी हर आरजू के पूरा ना होने का दाग लेकर कब्र में जा सोए हैं, अब तुम्हारे सामने मेरी कोई ख्वाहिश और तमन्ना ना होगी जिसके पूरा होने में मुझे तो खुशी हो और तू रंजीदा हो। क्योंकि मेरी हर तमन्ना तुम्हें रंजीदा करती है, अब जबकि मैं दुनिया में नहीं हूं तो तुम जिस तरह चाहे अपने आप को खुश करो, बाग बाग हो जाओ। अहमदुद्दीन कासमी के दो शार हैं, अब तेरे रुख पर मोहब्बत की शफक फूली तो क्या, अब तेरे रुख पर मोहब्बत की शफक फूली तो क्या, हुस्न बरहक है मगर जब बुझ चुका हो जी तो क्या, जब तेरा कहना कि तू तकदीर का महकूम है, जब कहा तूने कि तू तकदीर का महकूम है, तूने नफरत की तो क्या, तूने मोहब्बत की तो क्या। इसी तरह इसी मजमून का एक शेर बैदुल्ला आलीम का है, जब हम ही ना महके फिर साहिब, जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। पांचवा शेर देखिए, इशरते पाराए दिल जख्मे तमन्ना खाना, लज्जते रिश्ते जिगर गरके नमक ना होना, इशरत ऐशो निशात खुशी शादमानी मुसर्रत, पाराए दिल दिल का टुकड़ा मुराद है दिल, जख्मे तमन्ना खाना आरजू पूरी ना होने का जख्म, नाकामी की अजियत बर्दाश्त करना, लज्जते रिश्ते जिगर जिगर के जख्म का मजा। रिश्ते जिगर, गर के नमकदान होना, नमकदान में डालना यानी जख्म पर खूब नमक छिड़कना। मफहूम, दिल के टुकड़े की खुशी ये है कि उस पर तमन्ना के जख्म लगते रहें, और जिगर के जख्म को तब मजा मिलता है जब उस पर खूब नमक छिड़क दिया जाए। तशरीह, इश्को मोहब्बत बड़ी निराली कैफियत का नाम है। गालिब ने एक आशिक सादिक के दिलो जिगर पर लगने वाले जख्मों और उन जख्मों से पैदा होने वाली लज्जत को मौजू बनाया है। जख्म हर शख्स के लिए दुख दर्द और कर्ब का बायस होता है, किसी भी जख्म पर अगर नमक छिड़का जाए तो तकलीफ में बेपना इजाफा हो जाता है, लेकिन जब जख्म मुसलसल हरा रहे, ठीक होने में ना आए, तो आशिक उसमें भी लज्जत महसूस करने लगता है। हत्ता के जब जख्म ठीक होने लगे और जख्म पर अंगूर आ जाए तो आदमी उसे भी कुरेदने में मजा महसूस करता है। खास तौर पर एक आशिक काल में दीवानगी में अपने जिस्म पर जख्म कर लेता है, वो जिसकी याद में जख्म करता है उस जख्म को उसकी अता समझता है, इसलिए उसे इस जख्म से भी बहुत प्यार होता है, वो इस जख्म को मुंदमिल नहीं होने देता। गालिब ही का एक और शेर है, दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून ना बढ़ाएंगे क्या। इश्क दरअसल आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, और इश्क के लगाए जख्मों से लज्जत हासिल करने के लिए जिस जौक की जरूरत होती है, उसे बर्दाश्त करने और लज्जत हासिल करने की सलाहियत पैदा करने के लिए एक लंबी उम्र दरकार होती है। हजरत बिलाल, हजरत वैसे करनी और गजबात के गाजियों को इश्क के जख्मों से जो लज्जत हासिल हुई, शहदा को जो जख्म लगे और शहादत के वक्त दीदार इलाही नसीब हुआ, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत और तरबियत पाने की जरूरत होती है। मौलाना हाली कहते हैं, एक उम्र चाहिए कि गवारा होने शेष, एक उम्र चाहिए कि गवारा होने शेष, रखी है आज लज्जते जख्मे जिगर कहाँ।